हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं कि मीन राशि के लिए अक्टूबर के लव मैसेजेस क्या है। पहला कार्ड है परफ्यूम। तो गिफ्ट लेने देने की बारी आ रही है यहाँ पे, और शायद गिफ्ट एक्सचेंजेस हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए, कि आप दोनों में से कोई तो एक गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहेगा, तो ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल वर्ल्ड, फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में आप दोनों में से कोई चिंता कर रहा है, इधर यू और योर लव्ड वन इज थिंकिंग अबाउट इट। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आर यू फ्लिपिंग साइड? तो क्या आप रास्ता बदल रहे हैं? वेल, ऐसा लग सकता है आपको या फिर आपके लव्ड वन को, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड अभी हमने कार्ड देखा तो फाइनेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे हालत में कि क्या आप कुछ अलग निर्णय लेना चाहेंगे या फिर क्या आप कोई नया डिसीजन लेना चाहेंगे, ये बात यहाँ पे मायने रख सकती है। एंटरटेनिंग, तो आप एंटरटेनिंग के ऊपर अभी भरोसा कर रहे हैं, यू वांट टू एंटरटेन योरसेल्फ, या फिर आपके लव्ड वन जो है वो कह रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन खरीदना या फिर मूवी की टिकटें खरीदना वगैरह चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। आईज दैट स्टेयर, तो आंखें हैं जो जवाब चाह रही हैं या फिर जो कह रहे हैं कि चलो बात करें, बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में, बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, वर्क के हेक्टिक स्केड्यूल के कारण आप शायद मिले नहीं हैं, तो ये यहाँ पे कार्ड लागू हो सकता है। समवन इज इंटरफेयरिंग, कोई एक इंसान है इसकी वजह से आप सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच आपको आपकी हो रही है, आप ज़्यादा सोच रहे इंसान के बारे में, वो कोई भी हो सकता है, और इसके कारण आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी बदल रही है। फिर चाहे आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। यू आर मूविंग अवे, थोड़ा सा आप दूरी बना रहे हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कार्ड आ गया था अभी, समवन इज इंटरफेयरिंग, नाउ आ गया यू आर मूविंग अवे। तो थोड़ी सी दूरी आपने बनाए रखी है, और इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और ये सोच जो है वो आपके ऊपर आपको अफेक्ट कर रही है। हर्ट विद इन, या तो आपके लव्ड वन जो है वो हर्ट हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो अंदर से हर्ट है, वो टूट चुका है, और आप उस इंसान को कह रहे हैं कि भाई चलो वी आर गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ होप, तो आप उस इंसान को हेल्प करने के लिए जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका फोकस जो है वो हट रहा है रिलेशनशिप से, तो ये बात यहाँ पे जाननी ज़रूरी है। स्पीक समथिंग, तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई आप बोलो, और ये आप दोनों से हो सकता है, आपके और आपके लव्ड वन के साइड से, कि स्पीक समथिंग, कुछ तो बात कीजिए, कुछ तो बोलिए, और जिसके कारण आपकी लाइफ जो है वो अच्छी और अच्छी बन जाए। कैंडल लाइट, तो एक्सपेक्टेशन से आपके लवर से, आपसे या फिर आपको अपने लवर से एक्सपेक्टेशन से कि चलो कहीं पे मिलते हैं, कैंडल लाइट डिनर करते हैं, कहीं डाइन पे जाते हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं, थोड़ा सा समय एक दूसरे के लिए निकाल लेते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, तो कोई सेलिब्रेशन वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है, शायद किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर आप कोई सेलिब्रेशन करना चाहेंगे क्योंकि किसी को, आपके दोस्त को या फिर आपके लवर को इंक्रीमेंट मिला हो अपनी नौकरी में, जॉब में, तो एक अच्छी बात है। अमेजिंग मैसेजेस, तो मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, और आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपको भी कहीं पर बढ़ोतरी मिल सकती है, या फिर आपको एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। अमेजिंग विंक, तो आप सोच रहे हैं कि अभी अगर मुझे इतना अच्छा हो रहा है तो मैं ज़िंदगी में और क्या कर सकता हूँ, तो इसके बारे में आप सोचने में जुटे हुए हैं, और आपके लव्ड वन भी आपके लिए हैप्पी है। ब्रेकअप टाइम, तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे झंझटों से छुटकारा चाहिए, ये जो झंझट है हर रोज़ का, चाहे वो नेट सर्फिंग हो या फिर ऑफिस को जाना हो, आप कह रहे हैं कि भाई मुझे एक दिन तो छुट्टी चाहिए। तो आप ब्रेकअप ले रहे हैं, आप ब्रेक कर रहे हैं ऐसे टाइम से। प्लानिंग, तो कुछ तो प्लानिंग चल रही है आपकी, अगर आपकी नहीं चल रही है तो आपके लव्ड वन की प्लानिंग चल रही है शायद, कि चलो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव किया जाए अपनी लाइफ के लिए, कुछ तो फोकस है वो लाना चाहिए। नीड स्पेस, थोड़ी सी वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में, कि हम कहाँ चल रहे हैं, वॉट इज़ माई स्पेस एंड हाउ शुड आई प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू माई सेल्फ। स्टेप डाउन, ईगो जो है वो नीचे आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी ईगो को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ईगो से आप दोनों ही हट रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यू टच्ड माई हार्ट, आप दोनों में से कोई एक ऐसा काम करेगा जिसके वजह से एक दूसरे को अच्छा फील हो सकता है, जैसे कि किसी डॉगी को बिस्किट देना, या फिर किसी को मदद करना, किसी कलीग को मदद करना, फ्रेंड को मदद करना, हु इज इन नीड।
आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, तो जो भी गलत फहमियाँ थी वो आप क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि किसी दोस्त ने कुछ कहा और आपने उस बात को अनसुना कर दिया, या फिर आपने उस बात को बहुत ही गहरा ले लिया और अपने दोस्तों से झगड़ा कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही आसान होती है लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अगर है तो आपको उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। वॉट आर यू थिंकिंग, मतलब आपकी सोच क्या चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं और आप सोच को लेके कहाँ तक जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, ये एक और अच्छा कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। आप कह रहे हैं कि भाई जैसे मेरी रिलेशनशिप पहले थी मुझे वैसे ही चाहिए, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। गिव मी किस, तो ये एक अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप को मुझे मेंटेन करना है और उसमें मुझे बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटीज लानी है। प्रैक्टिकल एडवाइस, तो ये एडवाइस आ सकती है आपकी कलीग से, आपके दोस्तों से जो आपके बारे में फिक्र कर रहे हैं, दैट सेविंग करो, ये करो, वो करो, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है आपके लिए। मूडी, तो आप अभी मूडी बन चुके हैं, आप हैं या फिर आपके लव्ड वन है, शायद थर्ड वीक में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़ा सा मूडीनेस यहाँ पे आ सकता है। रीचिंग डेस्टिनेशन, जैसे कि हमने कहा कि प्रैक्टिकल एडवाइस आपको मिल रही है, तो आप अभी अपना लक्ष्य तय कर रहे हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है जीवन में और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। एंगेजिंग, तो या तो किसी का एंगेजमेंट हो रही है या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में खुद को एंगेज कर रहे हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही है और इसका क्रेडिट मुझे खुद से लेना ही है। लुकिंग टू माई आइज, तो आँखों में आँखें डाल के आप कह रहे हैं कि यू हैव टू बिलीव ऑन मी और मैं इस बिलीव को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दूंगा, मैं इस बिलीव को ऐसे ही मेंटेन करूंगा। इट्स ड्रीमिंग, तो आप कह रहे हैं कि भाई सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है और मैं सपने देख रहा हूँ, मुझे सपने देखने का हक है और मैं वो सपने डेफिनेटली पूरा करूंगा। नेक्स्ट कार्ड है आई नीड योर हक, तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे इसमें किसी की साथ, किसी का साथ चाहिए, और आपके लव्ड वन हैं, आपके दोस्त हैं या फिर आपके कली हैं, तो आप उनसे कह रहे हैं कि भाई मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रख रही है। गॉन अवे, तो ऐसे में क्या है, शायद आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, शायद आपके ऑफिस से आपको कुछ लेटर आ जाए कि आपको कहीं पे डिस्टेंस ट्रैवल करना है या फिर आपको कहीं पे विजिट करना है, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, तो आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको इमोशंस को ज़्यादा समझना पड़ेगा। आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या होता है कई बार किसी इंसान को काम आ जाए तो उसको अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं मिलता, शायद ऐसा वक्त आपके लाइफ में या फिर आपके लव्ड वन के लाइफ में आ सकता है कि फोकस हो रहा है ऑफिस की तरफ और रिलेशनशिप की तरफ, थोड़ा सा निग्लेक्शन हो रहा है, लेकिन डजेंट मीन के ये परमानेंट रहेगा, ये टेम्पररी फेज है, विद इन 2 और 3 डेज या फिर विद इन अ वीक वो चला जाएगा। आई थिंक किसी फ्राइडे से इस फेज को शुरुआत हो सकती है। रनिंग अवे, तो आप कह रहे हैं कि भाई रनिंग अवे ये हो रहा है लाइफ में और आप कह रहे हैं कि चलो अभी मुझे भाग दौड़ करनी है, मुझे और पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं जो अचीव करने हैं। फ्यूचर इनसाइट, आप फ्यूचर की तरफ प्लान आउट कर रहे हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे फ्यूचर में ये बनना है, वो बनना है, मुझे फ्यूचर ऐसा ऐसा चाहिए। स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं इसके वजह से आपको स्लीप नहीं आ रही है, और ये प्लानिंग ऐसा है जैसे कि मानो आपको, अगर आप किसी ऑफिस प्रोजेक्ट को हाथ डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट में 100% लाना ही है, मुझे अपनी तरक्की करनी ही है। आई विल बी ऑन योर साइड, सो ये आप कह रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने लव्ड वन से कि कोई भी बात हो मैं आपकी हमेशा साथ रहूंगा। नीड सम मैजिक, तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे चमत्कार की भी कुछ आशा है, आई एम वर्किंग हार्डर, मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, एंड राइट नाउ आई नीड सम मैजिक। इट्स पार्टी, तो बहुत दिन बाद आई थिंक विद इन इन थर्ड वीक आपको पार्टी का मौका मिल सकता है, आपके दोस्त पार्टी थ्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेक्टिक वर्क स्केड्यूल, दे हैव अचीव समथिंग, और ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट मिल सकता है। आई एम देयर, तो आप कह रहे हैं अपने लव्ड वन को कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा उनके साथ आप प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कार्ड है मनी इन माइंड, तो पैसा चल रहा है दिमाग में और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। स्पीचलेस,
स्पीचलेस हो सकता है इंसान कभी कभी, क्योंकि हम कहते हैं कि कई बार जब हम अचीव कर लेते हैं कुछ तो हमें शब्दों से बयान नहीं हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें खुद ब खुद ये बयान करते हैं। फाइट विथ मी, आपके लव आपको कह रहा है कि भाई कितने दिन आप बिजी रहोगे, हमसे बात करनी है कि नहीं करनी है, तो इसकी वजह से ये छोटा सा आर्ग्यूमेंट आपके साथ हो सकता है। उसके रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं कि आई लव यू, मतलब मेरा जो रिलेशनशिप है आपसे वो जैसा पहले था वही अभी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। ट्रबल रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा ट्रबल रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और फाइनल कार्ड है इमोशनल कमबैक, तो जब आप फ्री हो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट से तो आप रिलेशनशिप को ध्यान देंगे। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। थैंक यू, टेक केयर।